ठीक है दोस्तों, हमने हमारी जो इंस्टाग्राम की स्टोरी थी वह हमारे फ्रेंड से हाइड कर ली है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप अगर आपके इंस्टाग्राम स्टोरी को अपने फ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको दो तरीके बताएंगे जिसकी मदद से आप आपके इंस्टाग्राम स्टोरी को किसी से भी हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमको हमारे मोबाइल में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ऐप को दोस्तों जब हम ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ प्रोफाइल आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर की तरफ राइट साइड में जो ये तीन लाइन आ रही है उस पर क्लिक कर लेना। उस पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा हाइड स्टोरी एंड लाइव, इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों एक आपको लिस्ट दिखाई देने लग जाएगी जिसमें जिसको भी आप हाइड करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। अब मान लो हमें हमारे ही फ्रेंड इंस्पायरमेंट को हाइड करना है तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है इंस्पायरमेंट, जो हमारा दूसरा इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर हमको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको बैक करना है तो आप देखेंगे एक जना यहाँ से हाइड हो चुका है। मतलब अगर हम आप कोई भी स्टोरी पोस्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम माइंड को वह स्टोरी शो नहीं करेगा। अब जो दूसरी ट्रिक है दोस्तों जिसकी मदद से आप आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी को हाइड कर सकते हैं वह बता देते हैं। इसके लिए आपको वापस बैक आना है और बैक आने के बाद तो यहाँ पे ऊपर की तरफ फाइल पिक्चर आ रही है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर दोस्तों जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे दोस्तों हमको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे स्टोरी रील लाइव कुछ इस तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे, तो हमें स्टोरी ऐड करनी है तो स्टोरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। अब ये देखिए जैसे हमने स्टोरी वाले ऑप्शन को क्लिक करा तो हाइड स्टोरी फ्रॉम वन पर्सन ये लिखे हुआ आ गया, क्योंकि एक पर्सन को हमने पहले ही स्टोरी से हाइड कर रखा है। इस पर हमको क्लिक करना है और अगर हम चाहे कि दूसरे पर्सन को भी हम हमारी स्टोरी हाइड में ऐड कर ले तो वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक रखते हैं। वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।